मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सबकी समस्याओं का समाधान कराना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी समस्या को लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी सरकार हर समस्या का त्वरित और संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित कराएगी। सीएम योगी सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने करीब 600 लोगों की समस्याएं सुनी और सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर हाल में सबकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए फरियादियों तक मुख्यमंत्री खुद गए। एक एक कर उन्होंने सभी लोगों की समस्याएं सुनी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को जरूरी निर्देश के साथ संदर्भित किया। अधिकारियों से कहा कि सभी समस्याओं को त्वरित गति से इस प्रकार प्रभावी ढंग से निस्तारित करें जिससे फरियादी संतुष्ट हो सके और उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। इस दौरान किडनी से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए मदद की गुहार करने आए देवरिया की एक महिला से उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। साथ ही कमिश्नर को निर्देशित किया कि महिला का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। साथ ही इलाज के लिए एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कर शासन में उपलब्ध कराया जाए। एस्टीमेट मिलते ही इलाज के लिए धन अवमुक्त हो जाएगा। उन्होंने फरियादी महिला को आश्वस्त किया कि डायलिसिस के अलावा किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी सरकार सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। जनता दर्शन में कई जिलों से फरियादी पहुंचे थे। इस दौरान महिला फरियादियों के साथ आए उनके बच्चों को मुख्यमंत्री ने प्यार दुलार कर आशीर्वाद दिया। बच्चों को चॉकलेट देने के साथ ही उनकी माताओं को समझाया कि बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। चिंता कोई परेशान नहीं करें, वो भी आप आवेदन करें समझ श्रीनगर का मामला है, कार्रवाई करो आप बताएं। आवेदन करिए, आवेदन करिए उसमें निमंत्रण को जो क्या बात है। आप कहाँ से क्या है कहाँ का मामला है? पाँच सौ क्या करना है इसमें कहाँ का है ये अभी कार्रवाई नहीं हुई। ये महाराजगंज का मामला है, बैठ के समाधान करें। क्या है बोलो। आयुष्मान भारत का कार्ड बनाना चाहिए। कहाँ घर है आपका? देवरिया में। इसको देखेंगे कमिश्नर साहब। कार्ड नहीं है तो कार्ड बनवाओ, और नहीं तो एस्टिमेट वगैरह बनवा के करो। और पहले डायलिसिस की सुविधा, बाद में अगर ट्रांसप्लांट वगैरह कराना चाहेंगे करेगा। मेडिकल कॉलेज में दिखा दो, अगर वहाँ मेडिकल कॉलेज में वहाँ एम्स में तो नेफ्रोलॉजिस्ट हो गई।